नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट वीक को लेकर के सभी लोग चिंतित हैं। अगले सप्ताह निफ्टी की जो चाल है वो कैसी रहने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीक यानी कि जो अभी ये वीक क्लोज हुआ है उसमें किस तरह के कैंडल्स स्टिक उसमें पैटर्न बने हैं, जिसकी वजह से मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए क्या रणनीति बनेगी और किस तरीके से स्पेशली निफ्टी पर फोकस है ये वीडियो। और आप इस वीडियो को सुनेंगे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की, निफ्टी के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक यानी मंडे से किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए, वो सारी डिटेल्स मैं कम शब्दों में आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। निफ्टी ने इस वीक में जब आप देख रहे होंगे तो निफ्टी ने डेली चार्ट पर डोजी कैंडल्स बनाई थी। तो डोजी कैंडल बनी है तो क्या उसके मायने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसी रहेगी निफ्टी की आगे की जर्नी और कितना रहने वाला है निफ्टी का आने वाले समय में टारगेट। निफ्टी ऑप्शन चेन में जैसे आप देख रहे हैं 23,000 का जो स्ट्राइक है उस पर बहुत सारा कॉल और पुट राइटिंग एक्टिविटी जो है उस पर देखने को मिल रही है और संभावित जो रेंज है वो रेंज बाउंड ट्रेंड की ओर इशारा कर रही है। तो ये बात समझने वाली है कि निफ्टी ने 23,000 का अपना जो काफ़ी पहले से लोगों को माइंड में था कि ये 23,000 क्रॉस करेगी, निफ्टी 23,000 क्रॉस करेगा तो वो बहुत प्रतीक्षित जिसको बोलते हैं वो लेवल को आपने देख लिया। शुक्रवार को निफ्टी की क्लोजिंग में 23,000 के लेवल पर तो नहीं हुई लेकिन सेंटीमेंट्स बुलिश बने हुए थे और निफ्टी फ्राइडे को इतिहास में पहली बार 23,000 पर चढ़ने के बाद फ्लैट लाइन के पास में मार्केट बंद हुआ था। इसकी क्लोजिंग 11 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में 22,957 के लेवल पर हुई थी फ्राइडे को। तो डेली चार्ट की जब स्टडी कर रहे हैं तो डेली चार्ट पर अगर थर्सडे को देखें तो बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना था, उसके बाद में निफ्टी ने शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन के दौरान डोजी कैंडल बनाई। तो फ्राइडे को डोजी कैंडल बनी है और डेली चार्ट पर निफ्टी का अगर 20 डीएमए अगर देखेंगे 20 डेज का या 50 डे का डीएमए से देखें तो उससे ऊपर है, 20 डेज का 50 डेज के डीएमए से ऊपर बना हुआ है, हाई है जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर को तरफ इशारा करता है। और डेली चार्ट पर आरएसआई की बात करूंगा तो 67.5 पॉइंट आगे बढ़ रहा है और ओवरबॉट जोन नहीं है। यहाँ पर यह समझने की बात है कि ओवरबॉट में नहीं है निफ्टी, जो इन्वेस्टर्स को और भी ज़्यादा पॉजिटिव रखने में सहायक हो सकती है नेक्स्ट वीक में। अब बात आती है चुनाव के परिणाम की, चुनाव भी आने वाले के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं आज, हालांकि 25th है आज भी वोटिंग हो रही है। और मैं जो चुनाव है उसके परिणाम की अगर बात करें तो परिणामों की दौड़ की वजह से ट्रेडिंग सेशन में और भी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकते हैं, लाइफ टाइम हाई की उम्मीद और भी कुछ बड़े लेवल पर आप उम्मीद कर सकते हैं। और आने वाले सप्ताह के अंदर वोलेटाइल मूवमेंट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अगर आप सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो 22,795 से लेके 22,630 का जोन सपोर्ट जोन है। और आगे मैं बात करता हूँ निफ्टी को, आगे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड किस तरीके से करना है। ऐसा मेरा मानना है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और अभी एक उसने पॉज लिया है, ये आप समझ लीजिए कि अप ट्रेंड में चल रहा है और अभी जो सिचुएशन है वो एक पॉज की तरह की है। ऊपर की ओर निफ्टी ने 23,000 का हमारा पहला टारगेट हमको मिल चुका है, इसलिए अब हमें 23,150 के टारगेट की तरफ बढ़ना है जो असेंडिंग चैनल के ऊपरी छोर का लेवल हो सकता है। लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 22,800 रखना चाहिए या रखना होगा। अब आगे कैसी उम्मीद रहने वाली है वो भी सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। मुझे उम्मीद है कि ऊपर की ओर का ये ट्रेंड है वो जारी रहने वाला है और इंडेक्स का मौजूदा लेवल से लगातार या मामूली गिरावट के बाद में 23,150 से 23,200 के अगले रेजिस्टेंस की ओर बढ़ सकता है। निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन अब 22,750 से 22,800 और 22,500 का लेवल भी देखा जा सकता है। निफ्टी के अगर हाई लेवल की बात करें, ऊपर के लेवल की मैं बात करूंगा तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 23,000 लेवल पर है और अगला रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया 23,150 से 23,200 के लेवल पर है। तो कुल मिलाकर इंडेक्स वोलेटाइल रह सकते हैं लेकिन ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है, ये भी आपको याद रखना है। निफ्टी 23,000 से ऊपर जाने के बाद अगर आप फ्राइडे को देखें तो पूरे दिन साइडवेज रहा था और अगले कुछ दिनों में सेंटिमेंट्स थोड़े कमजोर भी रह सकते हैं। इंडेक्स 22,950 से 23,050 के बीच रह सकता है। निफ्टी ऑप्शन चेन में 23,000 के स्ट्राइक पर बहुत बड़ी भारी कॉल और पुट की राइटिंग एक्टिविटी संभावित जो रेंज है वो रेंज बाउंड ट्रेंड की ओर इशारा कर रही है, तो ऐसा आप देख सकते हैं। तो ये निफ्टी का लेवल है, निफ्टी की नेक्स्ट की अगर आप सेटअप की प्लानिंग चाहते हैं तो सेटअप में भी अगर आप देखें तो जैसे फ्राइडे का मैंने थर्सडे का भी आपको शेयर किया था, थर्सडे में फ्राइडे में किस तरीके से निफ्टी बंद हुई है और निफ्टी के डेली चार्ट का भी एक लॉन्ग जो बुलिश कैंडल उस समय बना था तो वो भी मैंने आपसे बताया।
अब बात करते हैं हाई लेवल में, तो हाई लेवल में 23,000 से ऊपर, शॉर्ट टर्म में 23,500 तक भी बढ़ सकता है शॉर्ट टर्म में, ये ऐसा आप मान सकते हैं। निचले लेवल की मैं बात करूंगा तो सपोर्ट मैंने आपको बताया 22,800 के लेवल पर है, जब तक 22,800 से ऊपर रहेगा तब तक मजबूती बरकरार रहने वाली है। निफ्टी पुट ऑप्शन के अगर एनालिसिस जब करते हैं तो उसमें 22,700 के स्तर पर ओपन इंटरेस्ट की जो कंसंट्रेशन है, जो स्तर, जो इस लेवल है, जो इसका स्तर है, उसके स्तर पर संभावित एक तरह का सपोर्ट को वो शो करता है। कॉल साइड पर 23,500 और 24,000 के स्तर पर भी ओपन इंटरेस्ट देखा गया है, देखने को मिल रहा है। अब बात है रणनीति की, तो निफ्टी में रणनीति जो आप बनाएंगे 22,750 22,800 को निर्णायक रूप से उसने जो प्लस अपने ब्रेक किया है, तो अब ये 23,100 23,150 का रेंज में असेंडिंग चैनल के ऊपरी छोर पर रह सकता है, इसके लिए 23,510 तक भी ये बढ़ सकता है। कुल मिलाकर निफ्टी 22,750 से 22,800 का जोन अब रिवर्सल के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग में एक सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करेगा। तो मिड कैप इंडेक्स में 17 मई को और निफ्टी ने 23 मई को अपना ऑल टाइम हाई बनाया, तो जबकि बैंक निफ्टी अभी पिछड़ ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो अपने ये जो सब जो एकदम जो टाइम है उसका सबसे हाई लेवल निफ्टी का है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज प्राइस सेक्शन के थोड़ा ठीक नीचे है और किसी भी गिरावट पर ये सपोर्ट कर जारी रह सकती है, तो निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन आप दोबारा से नोट कर सकते हैं 22,750 से 22,800 रहने वाली है। दूसरी सपोर्ट लेवल रहेगा 22,500 से 22,550। हाई लेवल पर अगर आप देखें तो 23,000 पर एक 23,000 का लेवल है और अगला रेजिस्टेंस जोन 23,150 का रहने वाला है, 23,200 का रहने वाला है। कुल मिलाकर सभी ग्राफ्टों को खरीदारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो ऐसा रहेगा नेक्स्ट वीक। निफ्टी एकदम से बुलिश है और अभी पॉजिटिव ट्रेड में चल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सभी को नमस्कार, बाय।